स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 1। आपकी जो मैथ्स की बुक है उसका जो सेकंड पार्ट है मैथ्स की बुक का, फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट में जो सारे चैप्टर थे। अब हम उसका जो मैथ्स की बुक का पार्ट सेकंड है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज अ लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कुछ डेफिनेशन है जो आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको बुक में से देखकर उसको राइट करनी है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी लाइन की डेफिनेशन आपको राइट करनी है। लाइन जो होती है वो क्या होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको दोनों टू साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अरेंजमेंट इन स्ट्रेट पथ एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, मतलब जितनी हम बढ़ाए उतनी ये बढ़ सकती है। तो ये हो गई लाइन, इसकी डेफिनेशन आपको कॉपी में से राइट करनी है। उसके बाद आता है रे। रे जो होती है इसका 1/5 पॉइंट होता है जिसको हम ए बोलेंगे, और जो अदर पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। अदर पॉइंट को हम कितना भी चाहे बढ़ा सकते हैं, बट एक पॉइंट क्या होता है, उसको फिक्स्ड होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ रे। और रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज 1 एंड पॉइंट। मैंने बताया था कि ये डॉट लगा मतलब 1 एंड पॉइंट है एंड इज एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन 1 डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रे। जैसे इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये भी इसको दोनों साइड से एरो होंगे, जबकि रे में क्या होता है, सिर्फ 1 एरो बनता है। पेज नंबर 1 पे दे रखी है डेफिनेशन। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आ जाइए आप। पेज नंबर टू पे लाइन सेगमेंट, थर्ड डेफिनेशन जो दे रखी है आपकी वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये इधर भी डॉट कर दिया, इधर भी डॉट कर दिया मैंने, ए और बी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो द शॉर्टेस्ट पथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। मतलब इसमें ए और बी, इसमें इस लाइन सेगमेंट को मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि टू पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा लाइन सेगमेंट। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे लाइन में और रे में 1 एंड पॉइंट होता है, लाइन में कोई नो एंड पॉइंट्स, जबकि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है फोर्थ एंगल। एंगल की डेफिनेशन आपको राइट करनी है कॉपी में। एंगल का जो सिम्बॉल्स होता है वो इस टाइप से होता है, इसको नाम दे सकते हैं ए बी एंड सी। ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स विद द फिगर फॉर्म बाय टू रेस, मतलब टू रेस से मिलकर बनता है, ए बी और ए सी, टू रेस से मिलकर क्या बनता है, एंगल्स बनता है। अगर टू रेस से मिलकर जो फिगर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो ये जो चार डेफिनेशन से जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये आपको अपनी कॉपी में भी राइट करना है। ओके, उसके बाद आते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सबसे पहले आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पेज नंबर 2 पे ही है सब पेयर्स, जिसे पेयर्स ऑफ एंगल्स।
तो ये जो एंगल्स ये दोनों टू एंगल्स ड्रॉ है, कितने एंगल्स ड्रॉ है, इसको बोलते हैं पेयर्स ऑफ एंगल। मतलब टू एंगल्स इन प्लेन सेंट टू द एडजेसेंट ही हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। ये जो वर्टेक्स है ये वाले एंगल है और इस वाले एंगल दोनों के लिए कॉमन है। और ये ओ क्यू ये जो आर्म्स है ये भी क्या कॉमन है। अगर दो एंगल ऐसे बन जाते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो तो देट इज कॉल्ड अ एडजेसेंट एंगल, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज। मतलब ये एडजेस्टेड एंगल तो वैसे ही, अगर टू एडजेस्टेड एंगल इस टाइप से बने कि जो उनकी अपोजिट आर्म्स होती है ये तो कैसी हो जाएगी, वो कैसी हो, जो उनकी आर्म्स होती है एंड ए पेयर ऑफ एडजेस्टेड एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर इज नॉट कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज। मतलब जो नॉन कॉमन आर्म रहती है वो कैसी हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका लीनियर पेयर। इसकी जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है आपकी 180 डिग्री। ये मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको बुक में से पढ़ना है। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट फॉर्मिंग अ फोर एंगल्स, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें कौन कौन से होंगे, टू एंगल्स आर फॉर्म टू इंटरसेक्टिंग द लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल वन एंगल और टू एंगल, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ये भी कैसे एंगल कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर टू लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पेज नंबर थ्री पे आ जाइए आप, पेज नंबर थ्री। पेज नंबर थ्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बेस्ड हम सम भी करेंगे तो आप समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, और एक और होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, जब उन दोनों का सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, देयर सम इज 90 डिग्री, तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे इनको, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर टू एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसका जो
इंटर पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप है इसके ट्रू फॉल्स ये मैं नहीं करवा रही हूँ, इसका शॉर्ट आंसर टाइप हम करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल मेजरिंग, मतलब आपको सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि टू एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए ये जो नंबर है इसको 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने मना कर दिए, शॉर्ट आंसर टाइप करवा रही हूं मैं आपको। फर्स्ट फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मेजरिंग, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए आप पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट टू एंगल्स आर से टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 96 degree, 35 degree, ये दो सम मैं आपको करके बता रही हूं। सॉल्यूशन, सम ऑफ टू सम सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह राइट करना है आपको पहले। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 96 डिग्री फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, 180 में से 96 माइनस कर लेंगे कितना आएगा, 0 4 बचेंगे 84, कितना आएगा 84 डिग्री। ठीक है, अब जैसे 35 डिग्री का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है आपको, फिर वही लाइन लिखना सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 180 में से 10 जीरो में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 5 80 में से 4 गए 4, 145 डिग्री। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको सप्लीमेंट्री फाइंड करना है तो 180 में से आपको माइनस करना है। ओके, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है, तो सभी को आपको 180 में से माइनस। इसके बाद आता है आपका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल, क्या फाइंड करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए आपको पता है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री,
क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री आ जाता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट 42 डिग्री का फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इक्वल टू 90 माइनस 42 कितना आएगा 48 डिग्री। 90 में से माइनस करना है, ऐसे सेकंड है जैसे 80 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इक्वल टू 90 माइनस 80 डिग्री कितना आया 10 डिग्री। ठीक है, इसके में भी 6 क्वेश्चन है, वो सब में इसी आपको करना है, माइनस करके आपको बताना है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर रेशियो इज 4:5। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे आप देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर रेशियो इज 4:5। तो पहले लिखना हम रेशियो ऑफ लेट द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 4x एंड 5x। 4x एंड 5x क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो दोनों काय में थे, रेशो में थे। किसमें थे वो दोनों, रेशो में थे, 4:5 है। तो हमने उसको क्या लिख दिया, 4x एंड 5x। We know that the sum of complementary angle is कितना होता है 90 डिग्री। We know sum of complement of an angle is equal to 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, 4 प्लस 5 9x, x इक्वल टू 90 अपॉन 9 कितना आएगा 10, मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 डिग्री। अब इसको x की वैल्यू तो आ गई, हमको तो एंगल फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 5x इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 10 मतलब 50। तो आंसर इज 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। 40 प्लस 50 प्लस करो कितना आता है 90, इतनी हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी सम कितना आता है 90। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, 5 नहीं करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स को, आपको यहाँ पर मेजर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ये ए डी लाइन है आपकी ए डी, फिर यहाँ पर से लाइट ये हो जा रहा आपका, इसको आपने क्या नाम दे दिया बी, इसको क्या नाम दे दिया आपने सी, ये ई पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स डिग्री, ये हो जाएगा आपका यू एक्स डी, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एंगल को आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, ये जैसे ये है, ये बना हुआ था कितने डिग्री का बना हुआ, 90 का बना, और देखो मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉमन आर्म जो अपोजिट है, मतलब ये लीनियर पेयर बना रही है, क्या बना रही है लीनियर पेयर। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रही है आपका लीनियर पेयर, और जो लीनियर पेयर बनाते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये कितना है x से डिग्री है, बी सी कितना है आपका 90 है, और सी डी 2x है, 2x और x कितने x हो जाएंगे 3x, तो 3x इक्वल टू 180 में से 90 को क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, ये 90 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 90 गए तो कितने बचेंगे आपके 90, x इक्वल टू 90 अपॉन उसको 3 से आपको डिवाइडेड करना है, 3 वन 3 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री, कितनी आ गई